गांधी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर इस सोच के साथ चल रहे हैं कि नफरत को मिटाना है, मोहब्बत की दुकान को खोलना है, यानी मोहब्बत लोगों में बांटना है। और इस भारत जोड़ो यात्रा को लोगों का भारी समर्थन देखने को मिल रहा है। जिस तरह से पंजाब में आज उनका पांचवा दिन है, भारत जोड़ो यात्रा का पांचवा दिन है, राहुल गांधी का जो सेकंड शिफ्ट, जिस तरह से मॉर्निंग में 7 to 11 और इवनिंग में अगर आफ्टरनून की बात करें तो 3 बजे से फिर से इस यात्रा की शुरुआत होनी है। और उससे पहले कुछ ही मिनट में राहुल गांधी जी यहाँ से निकलेंगे। उससे पहले का अगर मैं आपको दृश्य दिखाना चाहूँ पहला पीछे का, तो लोग उनके इंतजार में यहाँ घंटों खड़े हो जाते हैं राहुल गांधी जी की एक झलक पाने के लिए। और उनके इस जो सोच है मोहब्बत को लेकर, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर निकले हैं उस सोच में शामिल होने के लिए। तो यहाँ पर महिलाएं भी बच्चे भी काफ़ी बड़ी संख्या में जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर खड़े हैं। तो उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है, किसके इंतजार कर रहे हो? कौन है राहुल गांधी जी, जानते हो? पहले देखा है? नहीं, कभी नहीं देखा। तो आज आप उन्हें खाली देखने आए या आप उनसे मिलने के बात करना चाहोगे? उनसे बात करना चाहेंगे। क्या बात करना चाहते हो? कि उन्होंने हमारे लिए कितना कितना कुछ किया है, क्या क्या किया है, हमारे लिए सब कुछ पूछना चाहती है। और हमें भी नौकरी चाहिए, हमें भी घर, जो घर बैठे हैं लोग उनको भी नौकरी पाना है। पढ़ लिख कर घर लोग बैठ रहे हैं, लड़कियाँ बैठ रही हैं, उन्हें भी नौकरी चाहिए सब लोगों को। तो क्या लगता है राहुल गांधी जी कर सकते हैं? कर सकते हैं राहुल गांधी जी कर सकते हैं। कितने नेताओं को वैसे आप जानती हो? अभी तो कभी किसी से मिली नहीं हूँ, कभी से किसी से बात भी नहीं की है। पहले जो नेता है इनसे मिलने जा रही हूँ। राहुल जी के बारे में पहले भी कभी कुछ सुना है या पहली बार ऐसा कुछ सुना और उन्हें देखने पहुँची? पहली बार देखने पहुँची हूँ और पहली बार ही सुना है मैंने। कभी स्कूल में बताते हैं पर पहली बार ही देखने आई हूँ मैं। कभी टीवी पे देखा है राहुल जी को? जी हाँ। कौन किस पार्टी के नेता है मालूम है? कांग्रेस के नेता। तो उनके साथ चलना चाहोगी इस यात्रा में? चलना चाहूँगी। चाहोगी चलना? जिस तरह से देख रहे हो लोगों में एक जोश और उत्साह है, तो यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद हैं। आज आप किसके इंतजार में खड़े हैं? आपके हाथ में झंडा देख पा रही हूँ मैं जी, राहुल जी के। राहुल जी के? हाँ जी। मिलने के लिए? हाँ जी, हाँ जी। क्यों मिलना चाहती हैं आप उनसे? उनसे जैसे बहुत सहूलतें मिल सकती हैं हमारे लिए जी, इसलिए। तो आप और किसी नेता को नहीं देखती हैं कि जो लोगों के लिए सोचे, ऐसा लगता है वही सोचेंगे आपके लिए? नहीं। राहुल जी कौन कौन से नेता है जिनको आप मानती हैं दिल से कि वो जरूरतमंद है, गरीब लोगों सबके लिए सोचते हैं? अभी तो राहुल गांधी हैं उनके लिए। राहुल गांधी इतनी दूर से पैदल चल के आ रहे हैं पंजाब में, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हमें दर्शन करने के लिए मिलेंगे उनके लिए, अच्छा है हमारे लिए। तो आज आप जिस तरह से यहाँ पे राहुल गांधी जी के लिए यहाँ इंतजार कर रही हैं, इससे पहले कभी किसी नेता के लिए किया इंतजार? नहीं, इससे पहले नहीं किया इंतजार। काफ़ी टाइम से हम खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं कितनी दूर है, कितनी दूर है, करें बस 20 मिनट और लगेंगे। बेसब्री से इंतजार है। एक इतना 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 इंतजार बेसब्री से क्यों है राहुल जी के? पता नहीं, देखने के लिए। वैसे वो सही बंदा है, जैसे भी है सही है। कुछ लोग उन्हें पप्पू कहते हैं, गलत कहते हैं? ये तो मुझे नहीं पता इस बारे में। आपको एक अच्छे नेता के रूप में देख रही हैं आप उन्हें? हाँ, इस टाइम तो अच्छे नेता के रूप वैसे सही है वो। राहुल गांधी जैसे उनके बारे में सुना है, बहुत कुछ सुना है, वो सही काम कर रहे हैं। यहाँ पे पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है, कांग्रेस ने काम किया है जनता के लिए? हाँ किया है कांग्रेस के लिए। क्या अभी यहाँ पे समस्याएं अगर बताएं, क्या कुछ समस्या देख पा रही हैं आप? समस्याएं तो अभी तो जी। आप कहाँ से हैं? पंजाब से। पंजाब तो यात्रा में चल रहे हैं आप? यात्रा में चल रहे हैं। कहाँ से चल रहे हैं आप? भोपुर से। किस तरह देख रहे हैं इस यात्रा को आप, चल रहे हैं, क्या लग रहा है? बहुत अच्छी है यात्रा। अच्छी है। क्यों जुड़े हैं आप इस यात्रा से? मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं राहुल गांधी। हाँ जी। यहाँ छोटी बच्ची भी खड़ी है, क्या नाम है तुम्हारा? नैना। किसके इंतजार कर रही हो? नाबुल दानी। राहुल गांधी जी का मिलना है राहुल गांधी जी से? किस लिए मिलना, क्या बात करोगी? देखने आए, हमने कभी देखा नहीं है पास में। हम देखने आए, कभी उसको देखा नहीं है। कैसे अच्छे लगते हैं राहुल गांधी? हाँ। कितने अच्छे लगते हैं? देखो टीवी पे देखा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे लगते हैं। जिस तरह से आपने देखा, तो आप दोनों बच्चों को लेकर यहाँ पे खड़े? जी हाँ, बच्चों को लेकर आए, बच्चों का बहुत मन था देखने के लिए उन्हें, इसीलिए आए हैं। किस उम्मीद के साथ आप राहुल गांधी जी के लिए? बहुत सारी है उनसे, लेकिन पास से देखने ज्यादा आए हैं, आज पहली बार देख रहे हैं इसीलिए। इस तरह पहले भी कभी किसी नेता का किसी का इंतजार किया है? नहीं, बस पहली बार ही आए हैं। यहाँ समस्याएं हैं आपकी? यहाँ पे कुछ समस्याएं हैं? समस्याएं तो हैं, हम किराए पे रह रहे हैं इधर, लेकिन वो आ रहे हैं इसलिए उन्हें देखने आए हैं।
हमने कभी देखा नहीं है पास से। क्या लगता है राहुल जी के यहाँ आने से यहाँ पे कुछ बदलाव होगा, कुछ काम होगा? हाँ बदलाव होगा, बदलाव होगा। हाँ तो जिस तरह देख रहे हैं यहाँ पे जी, आप पीस यात्रा में शामिल है? हाँ जी, हाँ जी, हम लोकल हैं मैडम, यहाँ की लोकल है। क्या लगता है राहुल जी के यहाँ आने से, भारत जोड़ो यात्रा से, क्या लगता है कितनी ज्यादा यहाँ पे और जरूरतें पूरी हैं, क्या क्या हुआ और आप लोगों के मन में? और मैडम जी, राहुल गांधी युवा नेता है, उनके आने से मोदी जी को मतलब इस बार सफाया कर देना है। राहुल गांधी जी की पूरी सपोर्ट है, हम लोग लोकल है, इधर से हम लोग पूरा साथ दे रहे हैं, हमारा पूरा। आपने कहा कि मोदी जी का यहाँ पे सफाया करना है, क्यों आप उनका सफाया करना चाहते हैं? मैडम जी नहीं, हमारे जो हम जिमीदार फार्मर हैं, तो हमारे लिए उन्होंने जो 3 कानून लाए थे, अब उन्होंने रद्द तो कर दिए हैं, पर नहीं रद्द नहीं हुए हैं, इसलिए हमारा उनके साथ विरोध है, वो कानून वगैरह चल रहे हैं सब। राहुल जी से क्या उम्मीदें हैं, किस तरह देखते हैं राहुल जी को? राहुल जी युवा नेता है, वो हमारा हेल्प करेंगे, समझेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो आप भी पीएम मोदी के रूप में देखना चाह रहे हैं राहुल जी को? हाँ जी, नहीं गल का। क्या आप रूठे हुए हैं क्या राहुल जी से? नहीं, प्रधान जी। हाँ जी, प्रधान जी, बढ़िया जी जी। तो कैसे देख रहे हैं, क्या लग रहा है राहुल जी की इस यात्रा से, कांग्रेस और स्ट्रांग हो रही है? हाँ हो रही है, बहुत। तो कैसे स्वागत करेंगे आज वो आपके क्षेत्र से निकल? बहुत बढ़िया करेंगे, बढ़िया करेंगे। हाँ, बहुत सारी जनता नजर आ रही है, बुलाई गई आपको? नहीं, अपने आप आइए, अपने आप आइए। हाँ, झाड़ू जी जी, आप कुछ बोल रहे थे जिस तरह से अभी जब इंटरव्यू चल रहा था तो वो पीछे से काफी कुछ बोल रहे थे, लेकिन कैमरा सामने आते ही वो चुप हो गए, क्या कहना चाहिए, कहाँ से हो आप? लोकल ही तो यहाँ पर लोग थोड़ा सा बोलने से भी कट रहे हैं, लेकिन लोगों को सभी को इंतजार है राहुल गांधी जी का, क्योंकि राहुल गांधी जी कुछ पल में यहाँ होंगे। तो यहाँ पर लोग जिस तरह लोगों का हम मोदी का सफाया करना चाहते हैं, बहुत गंद पा दिया है मोदी ने, लेकिन यहाँ तो झाड़ू आ गया है। अच्छे दिन आने गए, अच्छे आगे भी गए, अगले भी गए, लेकिन यहाँ तो अभी झाड़ू चल रहा है। हाँ जी, यहाँ तो अभी झाड़ू चल रही है, आम आदमी पार्टी है, झाड़ू बच गया होने और दो साल, झाड़ू ने तो मुंह पे झाड़ू फेर दिया, सब काम खम बंद कर दिया। क्या उम्मीद थी झाड़ू से जो पूरी? बहुत उम्मीद थी, सिलेंडर 1150-1150 का हो गया, और बत्ती डेली फ्री है, फ्री क्यों है, डेली आ नहीं रही बत्ती, फ्री है, रात को भी नहीं आ रही, दिन को भी नहीं आ रही, सब ऐसा ही है, और खेती देख लो आप, सब पानी नहीं मिल रहा। कांग्रेस सरकार जो गरीबा की सरकार है, बढ़िया सरकार है ये जी, गरीबों की सरकार, कांग्रेस गरीबों के लिए सोचती है। ये तो हम देखेंगे, जब आएंगे कुछ करेंगे फिर सोचेंगे, तो हम ऐसा बोल देंगे। आज 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 राहुल जी के इंतजार में क्यों खड़े हैं फिर आप? हम देखने के लिए आए, कि कोई भी बाहर से हमारे पंजाब में आएंगे, हम हमारा फर्ज बनता है उसका स्वागत करना, ठीक है ना, और हमारे घर में दुश्मन भी आएगा ना, हम उसके घर स्वागत करेंगे, ठीक है। राहुल गांधी जी को किस तरह देख रहे हैं, दोस्त की तरह देख रहे हैं, दुश्मन की? हम अभी तो दोस्त की तरह देख रहे हो, जब हमारे लिए सोचेंगे तो फिर सही है, जो नहीं सोचेंगे तो हम दूसरा कुछ देखेंगे। मतलब अभी डाउट है, डोट ही है, सब सरकार के ऊपर डोट है, एक गबला मबला है, सब चल रहा है। लेकिन पहले भी तो देखा है ना आपने कांग्रेस को, तो पहले जब देखा था उस टाइम में हम लोग नहीं था, हमारा मम्मी पापा होते तो उस टाइम में बोल रहे सही थे, तो अभी बोल रहे सही नहीं है, ये सरकार सही नहीं हो, अभी नया तो झाड़ू बनाने का कोशिश किया था तो अभी कुछ नहीं किया। तो आप किसको मौका देना है? अभी देखेंगे, अभी जैसे सब पार्टी हमारा लड़ेंगे, बातचीत करेंगे, फिर मौका देंगे, लेकिन अभी डिसाइड नहीं है, अभी कुछ नहीं है, अभी तो राहुल जी के साथ है कि नहीं, वो तो मोहब्बत बांटने निकले, मोहब्बत बांटने निकले, हम उनके साथ ही अभी साथ है, इसीलिए खड़े हैं ना, ने साथ नहीं होते तो हम लोग अपने खेत का काम करते होते। अच्छा, काम छोड़कर आए हैं? 500 रुपए दिहाड़ी छोड़ के आए हैं देखने के लिए, देखने के लिए। तो मिलने का मिलना भी चाहेंगे कि मौका मिल जाए, नहीं पुलिस वाला मिलने देगा तो मिल लेंगे, नहीं पुलिस वाला तो पास ही नहीं, राहुल जी तो खुद बुला के मिल रहे हैं लोग, तो फिर मिल लेंगे, क्या क्या बात करेंगे, कुछ होगा कुछ मुद्दा आपका जिससे उन पे चर्चा करेंगे? नहीं कुछ बात नहीं करेंगे, हेलो हाय करेंगे, बस ठीक ठाक हेलो हाय करेंगे। हाँ जी, तो जिस तरह से आपने देखा कि इनका कहना है कि राहुल गांधी जी को भी मौका देंगे और एक दोस्त के रूप में उनको देख रहे हैं और यहाँ पर पहुँच रहे हैं, आप देख सकते हैं ये हाईवे है, लेकिन इस हाईवे को पूरी तरीके से इस समय खाली कर दिया गया है सुरक्षा दृष्टि से, क्योंकि जब भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ेगी तो उस दौरान लोगों उनकी सुरक्षा का ध्यान दिया जाए, लोग बढ़ेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हाईवे, मेरे पीछे मैं आपको दिखाना चाहूँगी, जहाँ पुलिस प्रशासन का पूरा यहाँ पर जमावड़ा आपको दिख रहा है, तो आम जनता जो यहाँ की जनता है, यहाँ के किसान हैं, यहाँ के आम लोग हैं जो यहाँ पर बैठ गए हैं,
अभी राहुल गांधी के आने में समय है, लेकिन उससे पहले ही जिस तरह से यहाँ पर वो बैठकर उनके इंतजार में हैं कि राहुल गांधी जी आए और वो उन्हें देखना चाहते हैं, लोगों में एक उम्मीद है और एक उत्साह है। लोगों का ये भी कहना है कि इससे पहले हमने किसी का इस तरह से इंतजार नहीं किया जिस तरह से आज हम राहुल गांधी जी का इंतजार कर रहे हैं। छोटे बच्चे हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, पुरुष हो, हर कोई आपको इस दौरान देख पाएंगे। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे किस तरह से हाथ में झंडा लिए यहाँ पर बैठे हैं। किसके इंतजार, किसको देखने के लिए बैठे हो यहाँ पे? ये क्या है आपके हाथ में, क्या है ये? झंडा। झंडा किसका झंडा है? कौन से मंत्री का? यहाँ अभी कौन आने वाला है? राहुल। कौन है राहुल? मंत्री। जिस तरह देख सकते हैं बच्चों को मतलब पता ही नहीं है, लेकिन बच्चे यहाँ पर बैठे हैं कि उन्हें मिलना है राहुल। खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, और पीछे आगे आप जहाँ भी देख सकते हैं तो सिर्फ राहुल जी की मोहब्बत जो है वो इन सड़कों पर, इन हाईवे पर हर जगह फैलती हुई नज़र आ रही है। इसका सबूत यह है कि जो जनता है जब घर से बाहर निकलती है, जब अपने काम को छोड़कर बाहर निकलती है, इसका यह सबूत है कि राहुल गांधी की इस मोहब्बत की दुकान में लोगों ने एंट्री लेने के लिए अपने काम को छोड़कर सड़कों पर आ गए हैं। तो बस यूँ ही बने रहिए हमारे साथ आगे और भी खबरों को देखने के लिए, सक्षम न्यूज़ इंडिया के साथ।